हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दो जो माउथ ऑर्गन मेरे पास से देखिए, सुजुकी का ऊपर वाला ए स्केल में सॉन्ग स्टार का ये माउथ ऑर्गन है और नीचे वाला भी सुजुकी सॉन्ग स्टार है सी स्केल में, ठीक है। तो ये दोनों माउथ ऑर्गन का जो कि डिफरेंट स्केल में है, मैं इसका आपको रिव्यू करके बताऊँगा कि इसके साउंड कैसे अलग होते हैं और ये दोनों स्केल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, सर ये ए स्केल और सी स्केल में डिफरेंस क्या है, ये दोनों माउथ ऑर्गन में क्या साउंड का कोई डिफरेंस होता है क्या, ठीक है। तो ये मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा दोनों माउथ ऑर्गन बजा के आपके सामने, ठीक है। तो पहले देखिए, ये जो ए स्केल का माउथ ऑर्गन है, ए स्केल मतलब ये थोड़ा सा सी स्केल से लोअर स्केल में है, ठीक है। तो यहाँ जो गाने बजेंगे फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा स्केल थोड़ा सा नीचे स्केल में बजेगा और ये सी स्केल को ये स्टैंडर्ड स्केल माना जाता है क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा स्केल भी नहीं है और बहुत नीचा स्केल भी नहीं है, तो लगभग ये मिडिल वाला स्केल है, तो इसलिए लोग ये सी स्केल का प्रीफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गाना ए स्केल में है, ओरिजिनल गाना ए स्केल में है, तब आपको इस माउथ ऑर्गन बजाने में बहुत आसानी होगी, और ओरिजिनल गाना अगर सी स्केल में है तो इस स्केल में आपको बजाने में आसानी होगी। अगर सी स्केल के माउथ ऑर्गन में आप ए स्केल का गाना बजाना चाहेंगे तो बजेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, आपको बहुत बार स्लाइडर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जिस स्केल का माउथ ऑर्गन है उसी स्केल का अगर गाना है तो बजाने में बहुत इजी होती है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों स्केल का एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे देखिए, ये गाना अगर मैं बजाऊँ, अजीब दास्तां है ये, अगर मैं आपको सी स्केल में अगर बजाऊँ, ठीक है, ये देखिए सी स्केल का है, तो इस तरह से बजेगा। आवाज़ देखिए इसका, ये हो गया अजीब दास्ता है सी स्केल में। अब यही गाना देखिए मैं ए स्केल में बजा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ए स्केल का है, तो ये यहाँ पे इस तरह स्केल थोड़ा सा कम हो गया, नीचे हो गया, कैसे, अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, और इसमें जैसी स्केल में अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, तो देखिए स्केल थोड़ा सा ये ऊंचा है और ये थोड़ा सा नीचा है। और एक एग्जांपल आपको दे दूँ, कोई भी गाना ले लीजिए, जैसे ये गाना लेते हैं, एक अजनबी हसीना से यू मुलाकात हो गई, अगर सी स्केल में बजाऊँ देखिए इस तरह बजेगा, एक अजनबी की स्केल में बजा, इस एक अजनबी हसीना से यूं मुला, अब अगर ए स्केल में बजाता हूँ देखिए, किस स्केल में बज रहा है, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, देखिए। तो इसमें भी गाना बजेगा, इसमें भी बजेगा, बस यही फ़र्क है कि इसमें थोड़ा सा नीचे स्केल में गाना बजेगा, इसमें थोड़ा सा सी स्केल में थोड़ा सा हायर स्केल में बजेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। और एक मैं जैसा मैंने मेरे बात आपको बताया कि ए स्केल का अगर सॉन्ग है, ऑरिजिनल सॉन्ग ए स्केल में है, तो ये ए स्केल के माउथ ऑर्गन पे आपको बजाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर ये सी स्केल का कोई गाना, ऑरिजिनल गाना सी स्केल में है, तो सी स्केल के माउथ ऑर्गन बजाना बहुत आसान होगा। सी स्केल में भी आप ए स्केल का गाना बजा सकते हैं, लेकिन आपको स्लाइडर बहुत बार यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ए स्केल में भी आप सी स्केल का गाना बजा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको स्लाइडर बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए जो प्रोफेशनल माउथ ऑर्गन होते हैं वो हर एक स्केल का माउथ ऑर्गन रख लेते हैं, ए स्केल का, एफ स्केल का, जी स्केल का, ए शार्प स्केल का, ठीक है, हर एक स्केल का माउथ ऑर्गन रखते हैं और जिस स्केल में गाना होता है उसी स्केल से वो माउथ ऑर्गन चूज़ करके उसी स्केल में बजाते हैं, ताकि उनको बजाने में आसानी हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको, आपका जो क्वेश्चन था स्केल में डिफरेंस क्या होता है दो माउथ ऑर्गन के स्केल में, तो हो सकता मैंने आपको क्लियर किया है आज। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि फ्यूचर में जो मैं लेसन आता रहूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ ऑर्गन पर बने खुश रहें। बाय बाय।